हमारा नाम तबरेज सिद्दीकी है, हम आसिफिया कॉलोनी में रहते हैं और वहाँ अक्सर वहाँ की मस्जिद में तीन दिन में या एक दिन में कुरान ख़त्म हो जाता है। इस तरह से कुरान को पढ़ना सही है क्या गलत, इसके बारे में थोड़ी जानना है। हाँ, एक सवाल किया, कुरान को एक दिन में या पढ़ना या कम वक्त में एक दिन दो दिन में पढ़ना ये कैसा है? पूरा कुरान रमज़ान वगैरह में लोग पढ़ते हैं तो ये कैसा है? तो देखिए, कुरान के ताल्लुक से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कुरान को तीन दिन से कम में पढ़ा उसने नहीं समझा, तो कुरान को आप मिनिमम 3 डेज में पढ़ सकते हैं। मतलब टेंटल पारे काम कर ले या जैसा भी, 3 दिन में पढ़ना उसका हक है, ठीक है? तो लिहाजा एक दिन में पढ़ लेना, और खासकर अगर नमाज की शक्ल में पढ़ रहे फिर तो बिल्कुल दुरुस्त है। कि कैसे पॉसिबल है कि नमाज में कोई इंसान एक कुरान को एक दिन में खत्म कर दे? वो तो ऐसा हो जाएगा सुबह से खड़े होना पड़ेंगे तो रात तक भी नहीं होगा, क्योंकि तो उसकी तिलावत हक है अपनी। हाँ, लेकिन वो जो हमारे पास बुलेट ट्रेन आ गई समझे, इसके अंदर पहले लोग बोलते थे सुपर फास्ट एक्सप्रेस तो अब कम हो गया, बुलेट ट्रेन भी आ गई हमारे पास, एक रात में खत्म कर देना। और वो कुरान कैसा पढ़ा जाता है, अल्लाह रहम करे, तो बस एक रिकॉर्डिंग वो कुरान की आई थी, अगर आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आप लोग जाएंगे। एक तो कुरान के एहतराम के खिलाफ काम हो रहा, बेहुरमती हो रही, उस पर दुख तो हो रहा है, लेकिन इंसानों पर हंसी भी आ रही, क्या कर रहे हैं अल्लाह के कलाम। मतलब खाली खराब तरह का क्या पढ़ाऊंगे, तो उसको मालूम और उसके रब को मालूम, क्योंकि इतने फास्ट काम नहीं कर सकते, और फरिश्तों को मालूम समझो जो उनकी स्पीड ज्यादा है, आखिर इंसानों को तो कुछ नहीं मालूम। और उस आदमी ने नमाज वो पढ़ा रहा था, उस आदमी ने मुश्किल से 18 मिनट में 23 रकात नमाज पढ़ाया। कितने मिनट में? 18 मिनट में तरावी की नमाज 23 रकात। इंडोनेशिया का कहीं का था, जो वहाँ की न्यूज चैनल ने भी दिया, उस इमाम को पकड़ा भी गया, उसकी सजा भी सुनाई गई बाद में, ये खिलवाड़ कर रहा था। 18 से 20 मिनट में 23 रकात, अब अंदाजा लगाई लव लव हो गया, लव अल्लाह अकबर, अल्लाह लव लव एक खड़ा से कुछ नहीं हो रहा, ऐसी चल रहा, मतलब हंस हंस क्या वैसा, जैसा बहुत सारे एक जगह कीड़े हो गए ना, बजन वैसा चल रहा हो, खत्म 18 से 20 मिनट में 23 रकात खत्म। सुभान अल्लाह, तो बहरहाल ये तो गलत है, 3 दिन में पढ़ना चाहिए, रुक रुक कर पढ़ना चाहिए, अल्फाज का हक अदा करके पढ़ना चाहिए। कुरान जो है, कुरान अल्लाह की रस्सी है, जिसका एक सिरा अल्लाह के हाथ में और एक बंदे के हाथ में, तो लिहाजा जब तुम्हें अपने रब से बात करना हो तो तुम कुरान पढ़ो। तो जाहिर से जब किसी से बात करें, कलाम करें, आपके वालिद से ही करे समझ लो, तो जाहिर सी बात करें, अब कहा तुम्हें दिख रहे मैंने बेटे रुक जाना, आराम से बात करें, एक कोई तरीका है बात करने का, कोई उसलूब होता है। नहीं, मैं पूछना चाह रहा था वालिद साहब आप कहाँ गए थे, सुबह से दिख नहीं रहे थे, बड़े मैं बाहर गया था फलाए, बात का तरीका होता है, ठीक है, तेज भी कर सकता, बाप कहाँ गए थे सर जल्दी बताइए मैं जा रहा हूँ, वो भी जवाब देंगे, बट ये तो नहीं कर रहा, सुने नहीं आ रहा उनको, समझ में नहीं आ रहा वो कर रहे, अल्लाह से आप कलाम कर रहे हो, ये किस चीज़ और ये बातचीत का तरीका, कलाम बात, कोशिश ये करें थोड़ा पढ़े, अच्छा अच्छा पढ़े, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल दुरुस्त नहीं, एक दिन में पढ़ा जाए, दो दिन में, जैसे मैंने एक दो 3 दिन में कम अज कम पढ़े, और कोशिश करे कि साल भर उसका तर्जुमा भी पढ़े, ताकि क्या पढ़ा जाता है दोनों समझ में जाए। तो जिसने इतनी रफ्तार से ऐसा पढ़ा उसने नहीं समझा, और उसकी हुरमत की तामाली की तरह से, जो ऐसे काम के लिए कुरान नहीं आया था, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी साल में एक बार पढ़ाया जाता था रमज़ान में, वो भी कंप्लीट कुरान, पहले जिब्राइल अलैहिस्सलाम सुनाते, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्राइल अलैहिस्सलाम को सुनाते, कभी आप भी सुनाते जिब्राइल अलैहिस्सलाम, और रमज़ान में आखिरी रमज़ान में आपने 2 बार ये अमल किया, क्योंकि उसके बाद फिर आपका इंतकाल है, ठीक है। तो लिहाजा बहुत एहतराम के साथ, बहुत अच्छे अंदाज के साथ जो कुरान को पढ़ना चाहिए। वाकिल दावा अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें, अपनी ज़कात और सदक़ात के जरिए डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट पर क्लिक करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हकदार बने। रोजाना हमारी वीडियो को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हमसे दीगर सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।